और जो भी इनके मुंह के अंदर या आप कह सकते हो इनके पास जो भी च्यूड फूड मींस चबाया हुआ फूड है उसे अपने अटैकर्स पे ये थ्रो करते हैं दे हुस आर शार्प इनके जो हुस हैं वो काफी ज्यादा शार्प होते हैं विथ अ थिक सोल एंड अ कर्व पार्ट विच ग्रुप्स रॉक फॉर्मली सो ये जो है hmm. जिसमें इनके जो हूव है वो उसके जो सोल है वो काफी ज्यादा थिक होते हैं एंड कर्व्ड पार्ट होता है जिससे ये जो है अपनी ग्रुप्स के साथ इजिली जा सके नेक्स्ट इज द गोल्डन ईगल हियर इज अ पिक्चर ऑफ गोल्डन ईगल इट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन बर्ड ऑफ प्रे ये जो सबसे ज्यादा जाने वा, जाने वाला बर्ड ऑफ प्रे है इन द नदर्न हेमस्फियर हेमिस में द गोल्डन ईगल इज अफ्टर ये बहुत ही बड़ा राफ्टर है, तो जो जो है वो है 66 से लेके वन जीरो टू सेंटीमीटर तक नेक्स्ट इज चाम गुड क्लाइंबर ये गुड क्लाइंबर है दे लिव इन हर्स ये भी हर्ड्स में रहते हैं ग्रुप्स में रहते हैं वन द हर्ड लुक्स आउट फॉर डेंजर विसल्स टू अदर सो यहाँ पे क्या है ये सारे ग्रुप में रहते हैं इनमें से जो एक मेंबर है उसका काम होता है कि देखना कि कहीं कोई जो है डेंजर तो नहीं है और अगर कोई डेंजर वाली सिचुएशन आती है तो वो मेंबर क्या करता है विसल करके मीन सिटी मार के बाकियों को वॉन करता है कम डाउन द माउंटेन इन सर्च ऑफ पाइन शूट्स विंटर में ये आते हैं माउंटेन्स नीचे किस लिए पाइन के जो शूट्स हैं उसे खाने के लिए एंड अदर थी थिंग्स टू फीड ऑन और बाकी चीजें जो भी इन्हें वहाँ मिल जाए दे इन द माउंटेनियस एरियाज ऑफ सदर्न यूरोप एंड एशिया ये ज्यादातर माउंटेनियस एरियाज में पाए जाते हैं कहाँ पे सदर्न यूरोप या फिर एशिया में नेक्स्ट इज पीका पीका इज अयर टेल एनिमल राउंड जो ईयर है वो राउंड होता है और जो टेल है वो नहीं होती है इट इज सम्स कॉल्ड माउस हेयर इसे कई बार माउस हेयर भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लुक तो ये खरगोश की तरह दिखता है माउस की तरह दिखता है तो इसे माउस हेयर कहा जाता है इट इज फाउंड इन एशिया यूरोप एंड इन सम पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका सो ये प्लेसेस है जहाँ पे ये इजिली हमें मिल जाता है इट इट्स ड्राइड लीव्स इन हलो फॉर द विंटर ये क्या करता है विंटर के लिए अपना जो भी फूड है उसे अपने जो पेड़ों के जो ड्राई ड्राइड लीव्स में उसमें उसमें एक होल बना के उसमें वो सारे फूड को स्टोर करके रख देता है द नेक्स्ट वन इज रॉकी माउंटेन गोट So, ये है रॉकी माउंटेन गोट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज क्लोजली रिलेटेड टू चामोस इट्स क्लोवेन हेल्प इट टू क्लाइम स्टीप रॉक्स टू एस्केप हंटर्स सो इसके जो हैं वो काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि इसको हेल्पफुल है जिससे ये इजिली स्टीप रॉक्स को स्टीप माउंटेन्स को ईजिली वो क्लाइंब कर पाते हैं जस्ट टू एस्केप दंटर्स अपने so ये ये मैमल है जो शीप्स को हंट करता है और ये रहता का है अमेरिकन माउंटेन्स में रहता है एट हाइट्स एक्स्ट्रा फूड टू एट लेटर ये क्या करता है एक्स्ट्रा फूड को छुपा देता है बाद में खाने के लिए जो प्यूमास है वो रात को ही शिकार करते हैं हैं. तो इसे जो है हम या फिर भी कहते नेक्स्ट इज आस लिव्स हाई अप इन यूरोपियन एफ्रीकन एंड एशियन माउंटेन्स सो ये जो एनिमल है ये इज अ पिक्चर ये ज्यादातर यूरोपियन एफ्रीकन और फिर एशियन माउंटेन्स में रहते हैं दे फीड ऑन ग्रास एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस ये क्या करते हैं ये ग्रास पे फीड करते हैं ग्रास खाते हैं और जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सिस होते हैं उसे खाते हैं फाउंड इन दिन के एरिया में जो मिलते हैं पैड्स ऑन द बैक ऑफ द फीट हेल्प देम क्लाइंब स्टीक रॉक सो यहाँ पे इनके जो फीट है उसमें जो है पैड्स लगे होते हैं जिसकी वजह से इजिली ये स्टीप रॉक्स पे भी क्लाइंब कर सकते हैं Himalayan snow leopard. So this is a picture of Himalayan snow leopard, and it travels long distances during daytime. Day time में ये काफी ज़्यादा लंबे-लंबे distances को travel करते हैं to hunt sheep. Sheep को hunt करने के लिए. Small mammals and birds. छोटे-छोटे mammals को और birds को hunt करने के लिए. It takes shelter in a den during night. और जैसी रात होती है ये रात में जो है देन में शेल्टर ले लेता है इट हैज अ लॉन्ग एंड थिक टेल इसकी जो टेल है वो काफी ज्यादा लॉन्ग है और थिक है मीन्स मोटी है सो चिल्ड्रन आई होप दैट यू हैव गॉट सम इंफॉर्मेशन अबाउट दीज एनिमल्स